हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फायर मीट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसी बेसिक एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि हर ट्रांजैक्शन को फॉलो करना, जो भी आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम में आते हैं उसमें हर ट्रांजैक्शन में इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, तब जाके आप हमको कह सकते हो कि भैया हाँ ये वैलिड ट्रांजेक्शन है। तो अभी देखते हैं वन बाय वन की ये प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड, अब यहाँ पे उनका जो अल्फाबेटिकली जो एक्सपांशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया ये एटॉमिसिटी होता है, ये कंसिस्टेंसी, ये आइसोलेशन और ये ड्यूरेबिलिटी। अब एक एक करके समझते विद एग्जांपल कि इनका मतलब क्या होता है। तो बढ़िया तरीके से एटॉमिसिटी को पहले समझते हैं। एटॉमिसिटी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी। सिर्फ दो शब्द है, ऑल और नन। ऑल और नन, ऑल और नन मतलब क्या कि भैया जब भी कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करो तो एक तो उसको फुल्ली एग्जीक्यूट करो या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो, बीच में नहीं छोड़ना है। एक तो उस ट्रांजेक्शन को फुल्ली एग्जीक्यूट करो टिल द कमिट स्टेटमेंट या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो, टेक द इनिशियल स्टेट। ये कहां पे काम आता है, वेयर, इसका क्या एग्जांपल दूं। जब भी मान लो आप किसी अपने फेवरेट मूवी के लिए जा रहे हो, मूवी की टिकट्स बुक आप कर रहे हो और टिकट बुक करते करते जब आप पेमेंट कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन, लेकिन तभी आपका जो डिवाइस है, मान लो लैपटॉप के थ्रू आप टिकट बुक कर रहे हो तो आपका लैपटॉप बंद पड़ गया, मतलब पावर डाउन हो गई, ओके, और आपका लैपटॉप वहीं बंद पड़ गया। तो अभी सवाल ये उठता है कि वो ट्रांजैक्शन जो आधे में था उसे पूरा किया जाए या फिर बैक रोल बैक करके उसे इनिशियल स्टेट पे लाया जाए। यहां पे आता है एटॉमिसिटी का काम, यहां पे आता है एटॉमिसिटी का काम कि भैया वो जो ट्रांजैक्शन बीच में रुक गया था वो बीच में रुकना नहीं चाहिए, वो एक तो फुल्ली एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर भैया रोल बैक इनिशियली होना चाहिए। इसीलिए इसको बोला ऑल और नन, एग्जीक्यूटेड ऑल या फिर Not any of that transaction should be executed, come to the initial point, ठीक है? ये था atomicity. अब consistency क्या है भाई साहब? What do you mean by consistency? It is nothing but the measurement of correctness. Measure of correctness. किसी भी transaction में अगर consistency है तो वो correct है, इट इज अ मेजर ऑफ करेक्टनेस, और ये सबसे प्राइम एट्रीब्यूट है। आपका ट्रांजेक्शन कुछ और हो ना हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रांजेक्शन है ए से 50 रुपए लेके बी को देने हैं, ये ट्रांजेक्शन है, ये आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, तो इनिशियली ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 300 रुपए थे, एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन अगर देखोगे तो ए के पास 50 है, बी के पास 350 है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन क्या हुआ, इसने इसको 50 रुपए दिए। अभी इसमें करेक्टनेस कंसिस्टेंसी कैसे पता करें, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ए और बी बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द ट्रांजेक्शन, इसका टोटल सम कितना था, 400, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सम इसका सम कितना है, और फिर ट्रांजेक्शन के बाद इन दोनों का सम कितना है, ये भी 400 है। तो यू शुड नोट कि जो डेटा आइटम्स की जो वैल्यूज थी, जो सम था उनका बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इट वॉज 400 एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इट इज ऑल्सो 400, तब आप कह सकते हो कि भैया ये ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट है, ये ट्रांजेक्शन करेक्ट है। दिस इज हाउ यू कैन से ट्रांजेक्शन इज कंसिस्टेंट, इट इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट अप कर सकते हो। अभी आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या, कई सारी बुक्स, कई सारे वीडियोस, कई सारे यू नो लिंक्स पे मैंने देखा इसका जो मीनिंग है ये प्रिसाइज नहीं दिया हुआ, थोड़ा एम्बिग्यूस सा मीनिंग है, लेकिन इस वीडियो में आपको परफेक्ट इसका जो मीनिंग आपको मिल जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि भैया आइसोलेशन होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय आइसोलेशन, कि भैया मैं अकेला हूँ, That is, अकेला ही एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो ये अकेला जो है वो ट्रांजेक्शन है। तो मान लो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और ये ट्रांजेक्शन ऐसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बराबर। Now, what do we mean by isolation? कि जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इट शुड नॉट नो अबाउट एनी अदर ट्रांजेक्शन विच इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब T2, T3, T4, T5 ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जब T1 मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है सो इट शुड नॉट हैव एनी आइडिया कि भैया बाकी के क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ओके? और एक और तरीके से इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने भी बाकी के ट्रांजेक्शन होंगे T2, T3, T4, T5, उनका कोई भी अफेक्ट T1 के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। T1 शुड एग्जीक्यूट आइसोलेटेड, T1 should execute as if it is isolated. No one is there around him. ऐसा कोई transaction work नहीं कर रहा, ऐसा इसको पता लगना चाहिए T1 को, समझ में आया? तो this is what we call it as a transaction, और मतलब transaction की important property isolation, ठीक है? अब आते हैं सबसे last वाले पे, durability क्या होती है? What do you mean by durability? अगर आप ऐसा कोई एक transaction consider करो, बराबर, मैंने आफ्टर द ट्रांजेक्शन ये जो वैल्यूज है ए और बी की 50 और 350 ये कहां की मैंने ये राइट कर दी, कहां पे डेटाबेस में राइट कर दी, तो आई हैव अपडेटेड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मैंने क्या किया, ए और बी की वैल्यूज को अपडेट कर दिया और डेटाबेस में राइट कर दिया, और ये जो अपडेट है जब ये अपडेट आपका परमानेंट होता है तो ये अपडेट आपका ड्यूरेबल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ड्यूरेबिलिटी। जब भी आप अपने ट्रांजेक्शन में कोई भी डेटा वैल्यू
कोई भी डेटा वैल्यू आप अपडेट करते हो, कुछ नई वैल्यू उसमें एडअप करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो और उसके अपडेट करके डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो अगर आपने उसको परमानेंटली स्टोर किया है तब आप कह सकते हो कि वो डेटा आइटम अभी ड्यूरेबल हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो ड्यूरेबल है, इट इज ड्यूरेबल इन द डेटाबेस, अभी उसे चेंज नहीं करना। तो अगर आपने उसको टेम्पररी स्टोर किया है तो इट इज वॉयलेटिंग द प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी, लेकिन अगर परमानेंटली अपडेट करके रखा है डेटाबेस में तो इट इज सेट टू बी ड्यूरेबल। तो ऐसी ये चार प्रॉपर्टीज थी जो कि हर ट्रांजेक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी सी एग्जाम में मैंने आपकी मदद कर दी हो तो मेरी भी मदद कर दो, वो तीन मैजिकल चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो और बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर और एंड डोंट फॉरगेट टू बेसिकली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।